आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मन में तो 20 लाख नौकरियां चल रही थी। देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में बिहार की सियासत में एक बड़ा उलट फिर देखने को मिला। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल कर दिया। बिहार में सरकार बदल गई, यानी कि पहले NDA के समर्थन में सरकार चल रही थी, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें बिहार में महागठबंधन के संरक्षण में बिहार की सरकार चल रही है। दोनों ही गठबंधन में एक चीज़ समान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब उप मुख्यमंत्री के नाम में बदलाव हुआ है। खैर, सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार पहली बार पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया जिसमें तेजस्वी यादव के उस वादे का जिक्र किया जिसमें उन्होंने 10 लाख देने का वादा किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में दिए गए अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार ने कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन बेरोजगारी को लेकर दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम लोग अब एक साथ हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम 10 लाख तो कर दे, यानी कि रोजगार 10 लाख कर दे, नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करेंगे कि 10 लाख क्या, हम लोगों के मन में तो इसे 20 लाख तक पहुंचाया जाए, चाहे ये नौकरी सरकारी हो या फिर बाहर रोजगार, दोनों का इंतजाम करवाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में अचानक से ये 10 लाख नौकरी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों बिहार के सियासत में हुए उठापटक के बाद यह स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसमें तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वो जब उनकी सरकार बनेगी तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि अब जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर उनकी सरकार बनी है तो ऐसे में अब BJP के साथ ही मीडिया में इस बात को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि 10 लाख लोगों का रोजगार कब मिलेगा, जिसके बाद नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया है। बिहार में अब जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ है तो नए कैबिनेट के गठन को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से माथापच्ची जारी है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अल्पसंख्यक और दलित समाज से आने वाले को मंत्री पद में शामिल किया जाएगा। हालाँकि एक बात यह भी बताया जा रहा है कि जदयू के खाते से आने वाली सीटें पहले की तरह रहेगी, जबकि BJP के पास जो मंत्री थे वह राजद, कांग्रेस और वाम अगर सत्ता में साझेदार बनता है तो उसे भी मिल सकती है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 16 अगस्त के बाद से बिहार में नए कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन होगा। बता दें कि इस पद पर यह उम्मीद की जा रही है कि राजद के उम्मीदवारी दावेदारी कहने की मजबूती से पेश हो सकती है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। इस पूरे मसले को लेकर अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें कि पहली कलम से 10 लाख नौकरियां, उसके बाद BJP की तरफ से लगातार हमला मीडिया में, जब जब तेजस्वी यादव मुखातिब हो मीडिया के सामने आए मीडिया की तरफ से एक ही सवाल कि 10 लाख नौकरियां कब मिलेगी, कितने लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सब का सवाल जो है लगातार तेजस्वी यादव से पूछा जाता रहा। तेजस्वी यादव भी अपने हिसाब से उसका जवाब देते रहे, लेकिन आज जिस तरह से 15 अगस्त को झंडा तोलन के बाद नीतीश कुमार का वो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख हमारे मन में चल रहा है कि हम लोगों को रोजगार दें। खैर, उसमें इस बात का भी जिक्र आया कि 10 लाख सरकारी और 10 लाख गैर सरकारी, जिसमें कि आप एक तरह से कह लें कि फैक्ट्रियों में रोजगार देने की बात होगी या फिर अलग अलग तरीके से जो है 10 लाख लोगों को एडजस्ट करने की बात कही गई है। तो ऐसे में एक तरह से देख लें कि बिहार की सियासत में भूचाल सा मचा है। एक तरफ से विपक्ष लगातार नई बनी सरकार पे हमलावर है, हालांकि इसमें अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। इस पूरे राजनीतिक गहमागहमी का अपडेट हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।